बाबा क्या बात है? बाबा बाबा तुम यहाँ अंदर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आप अंदर तो आइए। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बाप हूं मैं तुम्हारा। बाप ने सौतेला पा, आज तक आप मुझे डराते रहे और मैं डरता रहा, पर आज आप फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम डरोगे। नहीं लगा सकते यार, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, समझा? अरे तुम भीग जाओ, स्विमिंग करो, प्लस में डूबो, आई डोंट केयर बाबा। चलो अभी मैं रखती हूँ। बिली क्यों डांट रही हो फिर दोस्त को? खाता चाहिए उसको तो दे दो ना। तुमको कैसे पता मैं छतरी के बारे में बात कर रही थी? क्योंकि तुम साल भर तो फिर दोस्त लड़ती नहीं, सिर्फ वर्षा ऋतु में लड़ती हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें वो छाता दिया था अमेरिका से लाकर, और तुम नहीं चाहती कि फिर दोस्त उसे घुमा दे या तोड़ दे, इसलिए तुम लड़ रही हो। केडी वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, वो छाता घुमा देगा। बिल्कुल नहीं खोएगा। लर्न टू ट्रस्ट पीपल बिली। एक काम करो, फोन करो फिर दोस्त को, तो बोलो कि छाता ले जाए, मेरा एक मित्र आ रहा है अमेरिका से, मैं तुम्हारे लिए एक और मंगा दूंगा। वाओ केडी, तुम मेरे को अमेरिकन छाता प्रेजेंट करोगे? ये रिलैक्स बिली, इट्स जस्ट अ छतरी। हाय केडी, तुझे कुछ चाहिए? सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। अरे थिया, आओ आओ। Not disturbing me at all. But you have to give some advice to my son. तो पहले बैठो तो। बड़े दिनों बाद तुझे याद आई मेरी। मुझे बता, कौन से बेटे को समझाना? मेरे छोटे बेटे अमित्य को। उसे भूत सवार हो गया कि उसे क्रिमिनल लॉयर ही बनना है। प्लीज उसे दोबारा समझाओ कि दिस लाइन इज नॉट फॉर हिम। दिया तुम कैसी बातें कर रही? मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। मैं भला किसी और को कैसे बता सकता हूँ कि क्रिमिनल लॉयर बनना बुरी बात है, हानिकारक है? अपने लाइफ के बुरे एग्जांपल्स के बारे में बताओ, कहो उसे कि ये लाइन में कितने रिस्क्स हैं। आई मीन दिन का चैन, रात की नींद, सब खराब हो जाती है दूसरों की टेंशन में। जिसको क्रिमिनल साबित करते हैं वो लाइफ लॉन्ग दुश्मन बनी जाता है, और उसके परिवार वाले जो बददुआ दे वो अलग। बस 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 दिया, मुझे भी अभी अभी पता चला कि क्रिमिनल लॉयर बनना कितनी बुरी बात है, मतलब सेहत के लिए कितना हानिकारक है। सुलझा हुआ लड़का है अमित्य, समय आने पर समझ जाएगा। सुलझा हुआ नहीं है, बहुत उलझा हुआ है वो। पिछली बार जब भेजा था आपके पास, आपने ठीक से नहीं समझाया। आई मीन अब हर कोई केडी पाठक तो बन नहीं सकता। चलो मान लिया वो अच्छा लॉयर बन भी जाए, लेकिन कंपटीशन तो आपके लिए ही खड़ी हो जाएगी ना। समझ गया समझ गया, तुम भेज दो अमित्य को मेरे पास, इस बार ठीक से समझाऊंगा। वैसे है कहाँ अमित्य जी? अब अमित्य की कंडीशन पहले से बेटर है। हुआ क्या था उसे? मेनिनजाइटिस का अटैक था। एक्चुअली पेशेंट को मेनिनजाइटिस के अटैक में कन्वल्शन आते हैं, सर चकराने लगता है और बेहोश हो जाता है।
एक्चुअली अमित को मेनिनजाइटिस की बीमारी है, पर पिछले एक महीने से तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कल रात को भी वो सरदर्द की कंप्लेंट कर रहा था, कह रहा था कि उसे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। क्या मैं इसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? हाँ, कोशिश करिए। थैंक यू। अमित्य, कल रात को आपके साथ क्या हुआ? कल रात को? हाँ, सिर बहुत घूम रहा था, मैं ऑफिस में था, नहीं लिफ्ट में था, ग्राउंड फ्लोर में। और आपके पिताजी? पिताजी तो मर गए, जब मैं 10 साल का था तभी मर गए। बहुत अच्छे थे। अमित्य पवार साहब, हमारे दूसरे पिताजी की बात कर रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, बैड फादर। अमित्य, बुरी खबर है, कल रात इस बिल्डिंग के लिफ्ट में उनकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर तुम बेहोश पाए गए थे, हाथ में बंदूक। क्या तुमने गोली चलाई उन पर? क्या करने ही तो गया था, कर दी। अच्छा हुआ। हाँ याद आया सर। वो बहुत डर गए थे, पर मैं नहीं डर रहा था। केडी, मेरा बेटा पागल हो गया है, इसे प्लीज बचा लो, उसने खून नहीं किया है। या शांत रहो। तुमने जब गोली चलाई अपने पिता पर, लिफ्ट कौन से फ्लोर पे? पता नहीं सर, मेरा ध्यान तो सिर्फ मिस्टर प्रसाद और मेरी गन पे था। कल रात को क्या पोशाक पहनी थी तुमने? तुम्हारे कमीज का रंग क्या? येलो, पीली टी शर्ट सर, पर उनका रंग तो लाल होता है ना सर। केडी, मेरे बेटे का केस लोगे ना? दिया क्रिमिनल लॉयर हूं, हमारा तो धर्म है और कर्म, दूसरों की परेशानी अपने सर लेना। अगर इसने अपराध नहीं किया तो इसे कुछ नहीं होगा। सर, इट्स एन ओपन एंड शट केस। अमित्य नहीं मारा है समीर जी को। क्रिमिनल लॉयर क्यों बनना चाहता है? मेरा बचपन से है कि मैं इनोसेंट लोगों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता, इसलिए सर आप ही की तरह आई वॉन्ट टू फाइट फॉर द राइट। मुझे लगता है कि तुझे अपने आदर्शों पे चलना चाहिए। तू एक काम कर, मेरे पास लॉ कॉलेज के फॉर्म पड़े हुए हैं, साइन कर दे इस पे। थैंक यू सो मच सर। देखती है तू? यस सर। उन्होंने अमित्य ने हत्या की होती तो बंदूक उसके बायां हाथ में होती, दाहिने में नहीं। सर, अमित्य लेफ्टी है लेकिन माउसर राइट हैंड में था। ये तो प्रश्न है, इसका अर्थ है कि लिफ्ट में उस दिन ऐसी घटना घटी थी जिसका ज्ञान हमें इस समय नहीं। जैसे ही पता चल जाएगा सत्य भी सामने आ जाएगा। योर ऑनर, एक सौतेला बेटा अपने सौतेले बाप की 4 फीट बाय 5 फीट बंद लिफ्ट में गोली चला के उसका खून कर देता। योर ऑनर, अमात्य पटेल के पास अपने पिताजी, सौतेले पिताजी श्री समीर प्रसाद को मारने का परफेक्ट मोटिव था, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक श्री समीर प्रसाद ने इनके साथ सौतेला बर्ताव किया है योर ऑनर। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब अमात्य पटेल के बायोलॉजिकल फादर श्री सोम पटेल की डेथ हो गई थी और इनकी बायोलॉजिकल मदर श्रीमती दिया जी ने समीर प्रसाद के साथ शादी की। तब अमात्य पटेल केवल 10 वर्ष के थे योर ऑनर। क्या हुआ? मम्मी सो रही है। मम्मी, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अबे अकेले सोने की आदत डाल, देख नीरव को, अकेला सोता है वो, उसकी तरह साहसी बन तू। प्लीज मुझे मम्मी के पास जाने। अबे जा, चल। जब ये जवान हो गए, मतलब 18 साल के हुए, तब भी नफरत तो बरकरार थी समीर जी की। ओह, तो साहबजादे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वो भी ऑफिस में। अरे कुछ तो सीखो नीरव से, कितनी मेहनत करता है वो लड़का। और एक तुम हो, अगर उससे कुछ नहीं सीखोगे ना तो जिंदगी भर निकम्मे और निठल्ले बने रहोगे। बचपन से लेकर आज तक
जहर घोला गया इनकी मेंटालिटी पर, अमात्या जी की मेंटालिटी पर, और इसीलिए कई बार, एक बार नहीं कई बार, ये जहर उगल कर अपने सौतेले पिताजी को डसने की कोशिश भी की इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि 14 तारीख को रात को 8:27 को क्या हुआ योर ऑनर। आई थिंक मैं क्यों बताऊं, एसपी सिने एंटरटेनमेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड है कमलाकर जी से ही पूछ लेते हैं योर ऑनर। साहब उस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर था कि तभी अमात्य बाबा बाहर निकले। बाबा क्या बात है? साहब अब बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तब उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या क्या हुआ? अमात्य बाबा ने अपने पैंट में पीछे की तरफ एक गन छिपा रखी थी। योर ऑनर, मर्डर वेपन, ये गन जो समीर जी की खुद की थी, मोस्ट प्रोबेबली अमात्या जी ने उनके कबर से चुराई थी। एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे कमलाकर जी की, जब आपने देखा कि अमात्या जी ने यूं गन वैसे पैंट में पीछे छिपाई है, आप मतलब किसी को कहा नहीं? कमलाकर कहने आया था, लेकिन उस वक्त मैं पीआरओ के साथ फोन पर बिजी था, इसलिए मैंने उसे 2 मिनट बाहर ही वेट करने का इशारा किया। एक्चुअली सर, मुझे सिचुएशन की इमरजेंसी पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही कमलाकर ने मुझे बताया तो मैं फौरन बाहर गया। उतने में ही मैंने 2 गनशॉट्स की आवाज़ सुनी 23rd फ्लोर से। जब कमलाकर और मैं ऊपर पहुंचे तो डैडी खून में लथपथ थे और अमित बेहोश पड़ा हुआ था। योर ऑनर, ये तो थी लिफ्ट के बाहर की। अब मैं आपको बताता हूँ 4 फीट बाय 5 फीट की बंद छोटी सी लिफ्ट के अंदर की खुली कहानी। योर ऑनर, अमात्य जी ये वाली गन लेकर अपनी ऑफिस जो 22nd फ्लोर पर है वहां से लिफ्ट में एंटर हुए, ग्राउंड फ्लोर पे गए और सामने समीर जी को खड़ा पाया। ये भी बताना मैं जरूरी समझूंगा योर ऑनर कि समीर जी रात को 8:30 बजे अपने यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वीडियो जेट पे बात करने आने वाले थे, इस बात का अमात्य जी को पता था। मेरी गन मुझे वापस दो। 10 साल में आपने जितना अन्याय किया मेरे साथ, शायद उतनी गोली तो नहीं होगी इसके अंदर, पर जितनी भी है आपकी मौत के लिए काफी है। ए, तू बहुत गलत कर रहा है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि मेरे मुवक्किल के मन में अपने पिता के प्रति क्रोध था, घृणा थी। मानता हूँ कि इनके पास अपने सौतेले पिता की हत्या करने का कारण भी था, हेतु भी था। ये भी मानता हूँ कि इन्होंने हत्या करने के हेतु से ही लिफ्ट में प्रवेश किया था, किंतु ये नहीं मानता योर ऑनर कि हत्या अमात्या ने की है। इसके कुछ कारण है योर ऑनर। सर्वप्रथम, अमात्या को अपने पिताजी पर गोली चलाते हुए किसी ने देखा नहीं। द्वितीय, जो कमलाकर जी का भी कहना है, अमात्या की हालत साफ है। डॉक्टरों का कहना है कि इन्हें मेनिनजाइटिस हुआ था। मेनिनजाइटिस योर ऑनर जो एक दिमागी बीमारी है जिसमें रोगी को चक्कर आते हैं योर ऑनर, पसीने उतरते हैं, बुखार आता है, दुर्बलता है। योर ऑनर, गोली चलाने में न केवल बल की एकाग्रता की भी आवश्यकता पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अवस्था में एक लड़का जिसने जीवन में कभी बंदूक नहीं चलाई, प्रथम बार किसी पर गोली चलाकर उनकी हत्या करना संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मेरे मुवक्किल हत्या बेहोश पाए गए तो ये पिस्टल इनके दाहिने हाथ में थी, जबकि ये जीवन में अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है कि अगर कोई गोली चलाए तो उसी हाथ का प्रयोग करेगा जिसका उपयोग वो हमेशा करता है। एक मिनट, अगर इसने खून नहीं किया तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो जो बंद लिफ्ट थी छोटी सी 4 बाय 5 फीट की, उसमें अमात्या और समीर जी के अलावा यानी कि 2 लोग ही थे, तीसरा कोई था ही नहीं। नहीं, आपका मानना है कि कोई तीसरा नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां था, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं नटवर जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है जी, मैं फाइनेंसर हूँ और बिल्डर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस करना मेरा बिजनेस है। नटवर जी, आपका कार्यालय उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में समीर जी का कार्यालय, मेरा कार्यालय 4th वाले पर है। जी हाँ। समीर जी को भी आपने फाइनेंस दिया था? जी, हमारी फिल्म मैं और मेरी तनहैया पिछले महीने ही रिलीज हुई थी, और समीर के हिसाब से वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। नुकसान भारी हुआ होगा आपको।
12 करोड़ रुपए। जरा समझा नहीं मैं, मुझे भी अदालत को भी जरा विस्तार में समझाइए कि क्या क्या हुआ। क्या समीर ने मुझे कहा कि मैं पूरी फिल्म फाइनेंस कर दूं, 80% प्रॉफिट मेरा रहेगा और 20% उसका। मैंने कर दी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद मैंने जब उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं बनता। मैंने उससे सैटेलाइट राइट्स और डीवीडी राइट्स के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि सिर्फ खर्चे जितना ही पैसा निकला है। मुझे यकीन था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने मार्केट से पता लगाया तो पता चला कि फिल्म ने अच्छा पैसा बनाया। ये उनकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मेरे पास है यहाँ, और के अनुसार जो है नटवर साहब, क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, उनका निधन हो जाए, तो चलचित्र के सारे राइट्स आपके हो जाते हैं और जितनी भी आवक होगी डीवीडी सैटेलाइट इत्यादि इत्यादि से, उसमें उनके परिवार का कोई भाग नहीं होगा, पूरा का पूरा आप हो जाएगा। सत्य है ये? और ये उनकी दूरभाष यंत्र की सूची है जिसके अनुसार हत्या के दिन आपने उनसे वार्तालाप की थी। देखिए आपका नंबर है, क्या वार्तालाप हुई थी आप दोनों के बीच? देखिए मैंने उसको समझाया था, मैंने उसको धमकाया कि मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, अगर वो मैटर को सॉल्व करना चाहता है तो हम लोग मिलके बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे जो करना है कर लूं और मेरा फोन काट दिया। अरे बाप रे बाप, आपका फोन काट कर आपको इतना अपमानित किया तो आपको तो और भी क्रोध आया होगा। आपने सोचा होगा ने वहीं के वहीं शेष कर दें, उनके जीवन को अंत कर दें, लेकिन आपको अवसर नहीं मिला। फिर अवसर मिला जब आपने समीर जी को बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, आपने अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगाया और पकड़ लिया योर ऑनर, पकड़ लिया, केस ओवर हो गया है। नटवर जी अब आप बच नहीं सकते हैं। क्या है कि जब ये लिफ्ट में गए तब तो हमारे होश में था, योर ऑनर यानी कि केडी जी के पास आई विटनेस है। हमारे गौर से देखो, सामने देखो, तुम्हारे पिताजी का कातिल खड़ा है, सफेद शर्ट। नटवर अंकल वही थे ना लिफ्ट में, याद करके बोलो। नटवर अंकल तो लिफ्ट में आए ही नहीं थे। सॉरी पाठक साहब, अपनी सारी मेहनत पे पानी भर गया। तो हो सकता है योर ऑनर अमात्य की जो मेमोरी है वो ठीक नहीं है, थोड़ी अनफिट है, लेकिन ये जो अपने नटवर जी हैं उनकी मेमोरी तो एकदम फिट है, उनकी सेहत की तरह। तो इफ यू डोंट माइंड सर, मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ? सबसे पहले तो नटवर जी, मैं आपके ऑफिस की कॉफी की तारीफ करूंगा। वो जो कॉफी पीते पीते आपने मुझे अमात्य के बारे में कुछ बताया था, जिक्र कर रहे थे, प्लीज जरा पाठक साहब जज साहब बताइए प्लीज। दिवाली का समय था, हमारे सभी यूनिट मेंबर्स ने एक गेट टुगेदर रखा था, सब लोग बम पटाखे जला रहे थे और तभी मैंने देखा कि अमात्य साफ होता है कि नटवर जी भक्षक नहीं है, रक्षक है। वो जान लेना नहीं चाहते थे, जान लेना तो आपका ये मोकिल चाहता था पाठक साहब। और योनर सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास, ये टी शर्ट, ये वही टी शर्ट है जो अमात्य उस रात लिफ्ट में पहन के अंदर घुसे थे, ये बंदूक को लेके जब उन्होंने समीर जी पर इस बंदूक से गोली चलाई। योर ऑनर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फॉरेंसिक का कहना है कि ये जो खून के धब्बे हैं वो फॉरेंसिक ने प्रूव किया है कि खून के धब्बे समीर जी के हैं, और डीएनए रिपोर्ट कहता है कि ये जो पसीना है इसमें, ये पसीना अमात्य का है योर ऑनर। और चूंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे थी तो जैसे गोली चलाई इससे समीर जी के सीने से खून का फव्वारा उड़ा और खून के सारे छींटे अमात्य के चेहरे और अमात्य के टी शर्ट पे लग गए योर ऑनर। तो फिर खूनी अमात्य है और कोई नहीं योर ऑनर। ये अदालत
अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस टाइम आपने अपने मौके को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी, आपका तोता मेरे पक्ष में कैसे बोल रहा है? अरे नेक्स्ट टाइम जरा ठीक से ट्रेनिंग दीजिएगा, वरना मैं आप पे भारी पड़ूंगा। ये तो वही उस पहली वाली बात होगी कि वो वस्तु जो हाथी जितनी बड़ी होती है कभी कभी हाथी से भी बड़ी होती है, लेकिन उसका वजन ही नहीं होता कुछ। अब क्या होगा सर? आपने अमित्या को बचाने के लिए जो नटवर जी पर आरोप लगाया था वो अमित्या की वजह से ही बेकार हो गया। सर जब अमित्या खुद बचना नहीं चाहता तो फिर आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वरुण कि वो निर्दोष है। निर्दोष व्यक्ति को बचाना मेरा धर्म है। द बिगर क्वेश्चन इज वो बंद लिफ्ट में तीसरा आदमी घुसा कैसे? उससे भी बड़ा प्रश्न कौन था वो तीसरा आदमी? वरुण एक काम कर, उस दिन 7:30 बजे के बाद बिल्डिंग में कौन कौन आया इसकी सूची निकलवा। पाठक, पिछली सुनवाई में आप अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, पर आज आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत या गवाह है जिससे आप अमित्य को इनोसेंट प्रूव करेंगे? योर ऑनर, प्रयत्न करूंगा अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने का और सत्य को इस अदालत में प्रस्तुत करने का। आपकी अनुमति हो तो सर्वप्रथम स्टंट डायरेक्टर एलेक्स नूर को कटघरे में बुलाऊंगा। अनुमति है। एलेक्स, कृपया अदालत को बताएं कि आप समीर जी को कैसे जानते हैं? जी, मैंने समीर प्रसाद के साथ दो फिल्मों में एज स्टंट डायरेक्टर काम किया है। तो इन दो फिल्मों में वेतन कितना था आपका? उस वक्त मैं नया था, एस्टेब्लिश हो रहा था, तो आई जस्ट गॉट ओनली 3 लाख। तो 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था या 3 लाख मिला? 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 3 लाख मिल गया। ये बताइए कि जो दूसरा चलचित्र आपने किया उनके साथ उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना लगा? तभी तो मैं एस्टेब्लिश हो गया था ना, तो आई गॉट 10 लाख। 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, आपको 10 लाख रुपए मिले? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, लेकिन आई ओनली गॉट 5 लाख। आधा वेतन आपका काट लिया समीर जी ने, क्यों क्यों काटा, क्यों नहीं दिया आपको 5 लाख रुपए? क्या है कि समीर जी का बोलने का ऐसा था कि वो स्टंट कंप्लीट करने में मैंने 3 शिफ्ट्स एक्स्ट्रा लगा दी, तो उनका 5 लाख का नुकसान हो गया। हाँ, और इस बात से आप बहुत अपसेट भी हुए थे। आपने अपना एसोसिएशन जो आपका होता है स्टंट एसोसिएशन, वहाँ कंप्लेंट भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, जिसके पश्चात आपने जाकर के सेशंस कोर्ट में समीर जी के विरुद्ध केस दर्ज किया, लेकिन वो केस भी आप हार गए। मतलब हार गए, और फिर योर ऑनर की इनको बहुत गुस्सा है, अब गुस्से में इतना लाल हो गए कि उन्होंने समीर जी का खून करके उनका लाल खून बहा दिया। लेकिन ऐसे सब ठीक है, एक लॉजिक प्रॉब्लम सर ये है कि लिफ्ट में 2 ही जन थे, एक आए कहाँ? योर ऑनर, एलेक्स नूर अपना मन बना चुके थे समीर जी की हत्या करने का, समीर जी के आवन जावन पर इन्होंने नजर भी रखी थी, बस केवल उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही अवसर इन्हें 14 अक्टूबर की रात को मिला। अवसर प्राप्त करते ही ये समीर जी के पीछे पीछे लिफ्ट में घुसे, किंतु ये रोनर अचंभित हो गए जब लिफ्ट में प्रवेश करते ही इन्होंने मेरे मोक्किल अमित्य को वहां पाया। इन्होंने अपनी गन छिपाई और फिर इनकी नजर अमित्य के गन पे पड़ी। अमित्य और एलेक्स के बीच झड़प, क्योंकि एलेक्स अमित्य से उसकी गन छीनना चाहते। मेरे मोक्किल बेचारे मेनिनजाइटिस से जूझ रहे थे, ये बेहोश हो गए। हत्या करने के बाद एलेक्स ने गन पर से अपनी उंगलियों के निशान पहुंचे और मेरे मोक्किल के दाहिने हाथ में गन को थमाकर ऐसा हुआ होगा। आई अग्री, बट एक लिटिल वन क्वेश्चन सर, सर प्लीज प्रूव कर दीजिए ना कि एलेक्स जी लिफ्ट में गए थे, प्लीज। करूं? yeah. सर रखिए सर। एग्जैक्टली। नहीं, एक मिनट, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ये बताइए कि आपको ये जो चोट लगी है चेहरे पर, कैसे लगी, क्या हो गया? वो बेसिकली एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त चाकू लग गया था। चाकू?
चाकू लग गया या किसी का नाखून लगा? खून? किसका खून? नहीं खून नहीं, नाखून, फिंगर नेल। समीर जी का फिंगर नेल, उनका नाखून आपके चेहरे पर लग गया लिफ्ट में जब झड़प हो रही थी आपके और समीर जी के बीच, क्योंकि समीर जी के नाखूनों में आपकी चमड़ी पाई गई। मेरी चमड़ी समीर जी के नाखून में? हाँ, मैं मुझे पता था कि आप यही पूछेंगे। अब देखिए क्या है कि मैं अभी तो कह रहा हूँ, लेकिन उनके नाखून के नीचे जो चमड़ी मिली है उसे हम मैच करवा सकते हैं डीएनए टेस्ट द्वारा। 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन तक आप बाहर का हवा पानी खा सकते हैं, उसके बाद आपकी हवा बंद और सरकार का पानी पीना पड़ेगा। एक मिनट एलेक्स, इसका जवाब मत देना। जवाब नहीं देंगे तो और फंसेगा यार, मैं लिफ्ट में मौजूद था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पत्ते तो बाहर आ ही गए, बोलिए। उस रात को मैं समीर जी को लिफ्ट में मिल गया था, बट दैट वाज अ कोइंसिडेंस। मैं तो अपने अगले फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मिस्टर विलोम हिमाद्री जी, उनसे मिलने जा रहा था। उनका ऑफिस उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर है। मैंने समीर जी को देखा बट आई डिडंट से एनीथिंग। अरे एलेक्स, तुम यहाँ इस बिल्डिंग में भी कोई कोर्ट खुली है क्या? मैं यहाँ पर विलोम जी से मिलने आया हूँ। मुझे लगा तुम्हें देख के तुम मेरे ऊपर फिर से कोई दूसरा केस करने वाले हो यहाँ किसी दूसरे कोर्ट में जाकर। हाँ वैसे भी मैं अपने हक के लिए लड़ रहा था, ठीक है ना समीर जी? पता है तुम्हारी स्टोरी से इंस्पायर होके मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, मेरा हक। मैंने सलमान भाई को भी तुम्हारी स्टोरी सुनाई, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एलेक्स के ऊपर बायोपिक जरूर बननी चाहिए। है? एक काम कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए, ये तो मेरा ये हाथ है ना, ये चालू हो जाएगा, ठीक है ना? अबे ये फिल्मी डायलॉग जाके किसी और को देना, जहाँ टैलेंट दिखाना चाहिए वहां तो दिखा नहीं सका, और अब आया अपना हुनर दिखाने के लिए। चुप, तेरे को बोला चुप बैठ, समझ नहीं क्या? पापा, अमित तू जा, मैं इस एक्शन डायरेक्टर का एक्शन निकालता हूँ, जा बेटा तू जा। समीर ये बनता है। हाँ पापा जा। रुक जा, सारे बताए पैसे ना मेरे सारे को दे, बता रहा हूँ कर लो। और जैसे लिफ्ट 3rd फ्लोर पे पहुंची तो मेरे साथ समीर जी भी बाहर निकल आए और मुझे बोला कि तुम्हारा कंप्लेंट करेगा विलोम जी को। मैंने सोचा फालतू में लफड़ा बढ़ेगा और ये विलोम जी का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो मैंने समीर जी को समझाया कि छोड़ो ये सब और उनको मेरे लिफ्ट में जाने के लिए बोल। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अमाते खड़ा था, लेकिन मैंने समीर जी को लिफ्ट में भेज दिया और मैं विलोम जी से मिलने चला गया। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने उनका खून नहीं किया। इनफैक्ट जिस दिन समीर जी का डेथ हुआ था उस दिन भी मैं विलोम जी के साथ ही था। केडी जी, वो तो आपके नेबर है, आपके पड़ोसी है, आप उनसे पूछ लीजिए, प्लीज आस्क हिम। आई वांट टू आस्क, प्लीज सर। पूछिए ना जसवाल साहब, आपको कौन रोक सकता है? ये अमात को बचाने का आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें ज्यादा डेस्परेट तो नहीं होंगे? या फिर आपके पास तीसरा भी कोई सस्पेक्ट है ना, ये नटवर जी एलेक्स के अलावा? बट वॉट आई थिंक इज नॉट दैट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, इज दैट ये जो खून किया है वो अमात्य ने किया है। क्यों योर ऑनर? मैं क्यों, मैं बताऊं योर ऑनर, ये टी शर्ट बार बार मैं पाठक साहब को दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे थोड़ा विस्तार में दिखाना पड़ेगा उनको। ये टी शर्ट योर ऑनर, ये देखिए ये टी शर्ट जिसमें समीर जी के खून के धब्बे हैं, और ये टी शर्ट है अमात्य का। लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग थे, चीख चीख के पाठक साहब ये टी शर्ट बोल रही है, ये खून बोल रहा है कि अमात्य ने ही अपने सौतेले बाप का खून किया है। दिख रहा है आपको ये टी शर्ट? सबसे बड़ा सबूत है पाठक साहब, कैन यू डिफाई दिस? मिस्टर पाठक, अब तो ये केस बिल्कुल साफ हो गया है, अमात्य के अलावा कोई और ये खून कर सके इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। योर ऑनर, कुछ है इस समय पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता मैं, किंतु अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो। सर, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पाठक साहब इज वेस्टिंग टाइम टू बाय सम टाइम। एक्चुअली द फैक्ट इज कि इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है जो अमात्य को बेकसूर साबित कर सके योर ऑनर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस हार चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ, और इसीलिए योर ऑनर आज शाम को मैंने पार्टी भी रखी है, आपको भी जो इन्वाइट किया है योर ऑनर, बहुत नुकसान हो जाए। मिस्टर जायसवाल, आपकी पर्सनल ग्रीवेंसेस को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कोई फैसला ले ही नहीं सकती। ऐसे मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल इज राइट, आपके पास कोई सबूत या गवाह नहीं है,
You have failed to prove your client innocent. Your Honor, अगर मेरे मुवक्किल दोषी हैं, तो आप जो निर्णय करेंगे, वो हमें मंजूर होगा। अगर थोड़ी सी भी संदेह है मन में, तो फिर इन्हें दोषी करार देना, ये उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि मुझे सत्य तक पहुँचने का समय दिया जाए। यह अदालत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. अच्छा सुनो, वो आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं वो, लेकिन मैंने मेरा नहीं उनका नहीं। ओके बाय। क्या हुआ जसवाल साहब, भाभी जी डांट रही है आपको? आपकी वजह मेरे आपके घरेलू आपकी वजह से कोर्ट में जज मुझे डांटते हैं, घर में पत्नी मुझे क्या? नहीं आज पार्टी थी ऑर्गेनाइज, कितनी मुश्किल से उसने बेक डिश बनाई थी, केस हार जाते क्या जाता आपका? अब एक ही तरीका है मेरी पत्नी को थोड़ा खुश करने का। बोली उसने जो वो रिडल का आंसर दिया है मैं बोलूंगा। अच्छा दिया भाभी जी ने? उसने दिया हाँ। ओके ओके। आंसर इज नारियल के पेड़ का पत्ता, जो हाथी जितना ही बड़ा होता है लेकिन उतना वजन में भारी नहीं होता। नारियल का पेड़ तो मैंने देखा नहीं करूंगा। नहीं नहीं पत्ता। चलिए छोड़िए ना ये सब बातें, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। उत्तर है हाथी की परछाई, जो हाथी जितनी बड़ी होती है, कभी कभी हाथी से बड़ी होती है, लेकिन परछाई का तो वजन होता नहीं। एंजॉय योर बेक डिश। योर ऑनर, उस लिफ्ट में जिस समय समीर जी का मृत शरीर पाया गया, उसी समय अमित्या भी वहां मेनिनजाइटिस के कारण बेहोश पाया गया। इसी कारण योर ऑनर में जाकर इनके वैद्य से मिला। मेनिनजाइटिस ज्यादातर बुरे बैक्टीरिया जब ब्रेन सेल में या फिर स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करते हैं तब होता है, या किसी दवाई की एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तत्पश्चात इनकी माता जी दिया जी से जाकर भेंट की। अमित्या को मेनिनजाइटिस के अटैक्स कब से आ रहे हैं? 8 महीने पहले अमित्या का बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। लोअर बैक में गहरी चोट लगने की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। ट्रीटमेंट हमने शुरू की। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 1 महीने तक लगातार उसे कन्वल्जन्स, बुखार और सिर चकराना आ गया। हमने फिर से ब्लड टेस्ट किए, तब पता चला कि पेगोरैगिन नाम का वो जो पेन किलर ले रहा था, उसकी वजह से उसे मेनिनजाइटिस के अटैक्स आ रहे थे। पिछली 2 डेट से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूँ। 1, कि समीर जी की हत्या किसने की, और 2, अगर समीर जी की हत्या किसी और ने की है तो आपके मुवक्किल अमात्या की टी शर्ट पर समीर जी के खून के छींटे कैसे उड़े? प्लीज मुझे 2 सवाल के जवाब दीजिए। केस हार गया। योर ऑनर, जसवाल साहब ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि अमात्या के कमीज पर, उसके टी शर्ट पर लहू के छींटे कैसे आए, मैं उस प्रश्न को उत्तर पहले देना चाहूंगा। आपकी अनुमति। आप तैयार है? आप अमात्या है, वो हत्यारा है। हत्यारा मुझ पर गोली चलाएगा, समीर जी पर चला। समीर साहब को लगी और उनके बदन से लहू उड़ा कुछ इस प्रकार से। वरुण छोड़ दे। हूबहू वही योर ऑनर। योर ऑनर, जिस प्रकार से अमित्या के टी शर्ट पर बीच में लहू नहीं लगा, उसी प्रकार से जसवाल साहब की कमीज पर बीच में लहू नहीं लगा। उसका कारण यह है योर ऑनर कि हत्यारे ने अमित्या को इस प्रकार से पकड़ा हुआ था, अमित्या की बेहोशी में। स्पष्ट है योर ऑनर कि अगर जसवाल साहब की कमीज पर लहू नहीं लगा तो हत्यारे के हाथ पर लहू लगा हुआ, ऐसे खून हुआ होगा। आई अग्री, बट खून किसने किया है अभी तक आपने प्रूफ नहीं किया है, करना पड़ेगा। बस ये भी प्रमाणित कर देता हूँ कमलाकर जी को बुलाकर। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है योर ऑनर। कल मेरे कार्यालय की बिल्डिंग में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। हाँ हाँ, अभी तो ऑफिस से निकला हूँ।
ठीक है आधे घंटे में आता हूँ। मैंने और वरुण ने कमलाकर के पास बहुत महंगा फोन और उसके हाथों पर बहुत महंगी घड़ी देखी। हाँ, कल कोर्ट का आखिरी दिन है। कल अदालत में अमात्या को फांसी की सजा हो और अपनी लाइफ और भी बेहतरीन कल से ही। अरे दार्जिलिंग में अपने बंगलो होगा। ये बताइए कमलाकर जी के इतने सारे रुपए आपके पास आए कहाँ से? साहब पहले मुझे 25 लाख रुपए और बाद में 10 लाख रुपए और दिए गए थे अमाते बाबा को फंसाने के लिए। अमात्य बाबा को फंसाने के लिए योर ऑनर इन्हें ये भारी रकम दी गई थी और जिस महानुभाव ने इन्हें ये रकम दी थी उन्होंने हत्या के पश्चात अपना कमीज भी इन्हें दिया था नष्ट करने के लिए, किंतु इन्होंने कमीज को नष्ट करने के बजाय कमीज के आधार पर उसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया। योर ऑनर जयसवाल साहब ने हमें बड़ी कृपा अमात्य की शर्ट दिखाई जो समीर जी के लहू से सनी हुई। मैं अदालत को असल हत्यारे का शर्ट दिखाना चाहूंगा यार, जिसके आस्तीन समीर जी के लहू से सने हुए। की पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर ऑनर ये साफ साफ दर्शाती है कि ये कमीज किसकी है। योर ऑनर ये कमीज नीरव प्रसाद की। नीरव जी प्रोसिक्यूटर साहब की सहायता से सब कुछ तो मैं अदालत को बता ही चुका हूँ, आगे की कहानी आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। अमित को मेरे डैड से बहुत नफरत थी, मैंने इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाया, उसे इमोशनल सपोर्ट देता रहा और सिंपथी भी। सही ट्रिगर मुझे तब मिला जब मेरे हाथ अमित के ब्लड रिपोर्ट्स लगे। उस रात डैड यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वीडियो चैट करने के लिए 8:30 बजे आने वाले थे। मैंने शाम को 6:30 बजे ही अमित के जूस में पेगोरैगिन का हाई डोज स्पाइक कर दिया और उसे पिला दिया। फिर आधे घंटे बाद जब धीरे धीरे उसका असर करना शुरू हुआ, मैंने अमित को डैड के खिलाफ ब्रेन पॉइजनिंग करना शुरू किया। उसकी नफरत को मैंने और भड़काया। जब ही गॉट हाई फीवर एंड वेंट इन टू डिलीरियम, मैंने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड खेला। मैंने डैड की गन जो मैंने उनके कबर्ड से चुराई थी अमित को दे दी। जब मैंने डैड की कार को आते देखा, मैंने अमित को लिफ्ट में भेज दिया और उससे कहा कि डैड को लिफ्ट में ही शूट करना और लिफ्ट को 23rd फ्लोर पर ले जाना क्योंकि वो फ्लोर बिल्कुल खाली है। लेकिन एलेक्स भी डैड के साथ नीचे था और उन दोनों का झगड़ा चल रहा था। ये देखकर अमित वापस ऊपर आ गए और डैड और एलेक्स 4th फ्लोर पर चले गए। मैंने अमित को वापस लिफ्ट में भेजा, लेकिन तब तक पेगोरैगिन का इतना असर हो चुका था कि अमित ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आई टुक माय चांसेस। लेकिन जब लिफ्ट वापस ऊपर आई तो डैड जिंदा खड़े थे और अमित बेहोश पड़ा हुआ था। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता, सो आई ऑल्सो वेंट इन द लिफ्ट। फिर डैड को गन से अधमरा करके मैंने अमित को उठाया और उसके पीछे खड़े होकर मैंने डैड को 2 बार शूट किया। फिर गन को अमित के हाथों में देकर मैं फौरन नीचे आ गया। ऑफिस में रखी स्पेयर शर्ट पहनी और खून की शर्ट मैंने कमलाकर को ठिकाने लगाने दी। साथ में मैंने उसे 25 लाख रुपए देने का वादा भी किया। फिर मैं कमलाकर के साथ क्राइम सीन पर वापस आ गया।
जैसा कि हमेशा होता है, आपसे भी एक चूक हो गई। आप भूल गए कि अमित्य अपने दाहिने हाथ का नहीं, अपने बाएं हाथ का उपयोग करता है। Yes, I made a mistake. एक महीने पहले जब हम ऑफिस से घर जा रहे थे तो लिफ्ट में डायरेक्ट ने मुझसे कहा कि नीरव, मैंने अमित्य के साथ बहुत नाइंसाफी। अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैंने हमेशा उसे डांटा फटकारा। तुम मेरे अपने बेटे, मेरे खून हो, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा प्यार किया और उसे कम। लेकिन ये बात मुझे कचोट रही, यदि मैं उससे माफी भी मांगूंगा तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। बेटा, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपने जायदाद में से आधी जायदाद उसे दे दूंगा। वो रात, लिफ्ट का वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे पेनफुल सफर था। ऐसा लगा जैसे वो लिफ्ट मुझे ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड ले जा रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना हक किसी और के साथ बांटूंगा नहीं, और जिस लिफ्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ है उसी लिफ्ट में मैं अपने आप के साथ न्याय करूंगा। और मैंने वही की। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत अमित्य पटेल को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है, और नीरव प्रसाद को उनके पिताजी समीर प्रसाद के कत्ल में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, और साथ ही कमलाकर को नीरव का साथ देने के लिए 5 साल कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड।